लुधियाना के गिल मार्केट में आज सुबह कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण पूरा इलाका है दहशत में। सूत्रों के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था यह हादसा। जानकारों के अनुसार इस दुकान को प्लास्टिक का गोदाम बताया जा रहा है, जो कि काफी देर से बंद पड़ा था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को अपने काबू में ले लिया है। अभी तक किसी तरह के जानी व माली नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है, पर सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन कब उठाएगा ठोस कदम? कब तक चलते रहेंगे ऐसे संवेदनशील गोदाम? कब बनाया जाएगा इलाकों को पूर्ण तौर पर सुरक्षित? यार माड़ा ध्यान उधर कुछ नहीं भी रहा, लागे की आग ना हूँ प्लास्टिक है। अच्छा जी, गोडाउन बनया है, फैक्ट्री तो है नहीं कोई। ये मतलब कि किस चीज़ का गोडाउन है? प्लास्टिक का ही। प्लास्टिक का गोडाउन है, तो पता लगे किस तरह आग लगी? ना पता नहीं, बंद पाया काफ़ी टाइम तो ना। तो फायर कर्मी पहुँच गए? हाँ जी, लगे हुए हैं जी पानी। सर सेंटर मार्केट पी है जी, ये दादे ने भी रात मार्केट छोड़ दी अग, दस रात हूँ अभी जब देखी अग ना फायर ब्रिगेड बुला के अग भी आ रहे हैं जी। लिफाफे लिफाफे दस दिन बाकी मालिक आया नहीं पता कर रहे जी। जी सर अगे फैल रही है, देखो अगर